नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। अब तक हम सभी गवर्नर जनरल्स के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से शुरुआत होगी भारत में आए सभी वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स की। और शुरुआत होगी फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से, जो थे लॉर्ड कैनिंग। पहले ये समझो, लॉर्ड कैनिंग एज गवर्नर जनरल आए थे भारत में, पर 1857 में रिवोल्ट होता है जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है। हालांकि बाद में लॉर्ड कैनिंग ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था, पर ब्रिटिशर्स पे काफी गहरा प्रभाव पड़ा था 1857 की क्रांति का। इस वजह से आप देखोगे कि 1757 से 1857 तक ब्रिटिश सरकार एक अलग तरह से रूल करती थी और 1857 के बाद से ब्रिटिश हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स में बहुत ज्यादा फर्क आया था। क्रेडिट गोज टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब 1857 की क्रांति खत्म हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और साथ ही में गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी खत्म करके उसकी जगह वॉइसरॉय की पोस्ट बनाई गई, जो सबसे पहले थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग का टेन्योर एज वॉइसरॉय था साल 1858 से लेकर 1862 तक, और इनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट वर्क्स ये रहे। लॉर्ड कैनिंग इशू करते हैं रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑन नवंबर 1858 अलाहाबाद में और इन्फॉर्म करते हैं कि अब से क्वीन विक्टोरिया एक्वायर करेंगी डायरेक्ट कंट्रोल भारत का। इस रॉयल प्रोक्लेमेशन में और भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कि प्रिंसिपल बताए गए कि कैसे भारत को फ्यूचर में गवर्न किया जाएगा, साथ ही ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज रहेगी टुवर्ड्स इंडियंस ये भी बताया गया। फिर जितने भी अग्रीमेंट्स और ट्रीटीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रिंसली स्टेट्स में, उनको अपहोल्ड और ऑनर किया जाएगा। ब्रिटिशर्स अब इंडियन स्टेट्स को एनेक्स नहीं करेंगे और साथ ही में उनके इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस वजह से इस प्रोक्लेमेशन के बाद दो स्टेट्स हुए, एक ब्रिटिश टेरिटरीज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स करी थी 1857 से पहले, और प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश सोवरेनिटी के अंडर तो थे पर वो अपने राज्य में ऑटोनोमस रूल कर सकते थे। गवर्नमेंट सर्विसेज और ऑफिसेज में एडमिशन बिना किसी रेस या फेथ के बिना होगा। तो ये जितनी भी डिसीजंस आपने देखे उसका रीजन था रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि एक टाइम पर 1857 की क्रांति ऐसी हो गई थी कि ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद उनकी हुकूमत खत्म ना हो जाए, पर जब रिवोल्ट सप्रेस हुआ तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हमें इंडियंस को साथ लाना होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स और पॉलिसीज को भी चेंज करना होगा। फिर उन्होंने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे फॉर्मली एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया। अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लो। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और कंपनी की पावर ट्रांसफर कर दी टू द ब्रिटिश क्राउन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको पूरी अथॉरिटी दी गई टू एक्सरसाइज कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं के टेन्योर में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पास हुए थे इन द ईयर 1861, जिसमें मर्ज किया गया सुप्रीम कोर्ट, सरदार दीवानी अदालत और सरदार फौजदारी अदालत, और साथ ही में हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड हुई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इंडियन पीनल कोड, ये पहली बार ड्राफ्ट हुए थे लॉर्ड मैकॉले के द्वारा इन 1830s, पर आईपीसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कैनिंग के द्वारा किया गया था इन द ईयर 1860 और ये इफेक्ट में आए थे इन द ईयर 1862। बंगाल रेंट एक्ट 1859, कॉलोनीज के परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये पहला टेनेंसी रेगुलेशन था जिसका मेन गोल था कि पेजेंट्स की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। लॉर्ड कैनिंग की सॉफ्ट और लिबरल पॉलिसीज के चलते इनको क्लेमेंसी कैनिंग का टाइटल भी दिया गया। तो ये थे सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैनिंग के टेन्योर के दौरान। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।